नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक नया वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं बर्ड फ्लू या एवियन इन्फ्लुएंजा के बारे में। यस, इन आर कंट्री बर्ड फ्लू जो है ना, इसके बारे में बहुत चीज़ें चल रही है। बहुत स्टेट्स में बर्ड फ्लू स्प्रेड हो रहा है। एंड इज़ इट सेफ टू कंज्यूम चिकन? अगर आप बॉडी बिल्डिंग करते हो एंड इफ़ यू वॉन्ट टू हिट योर प्रोटीन इनटेक, बहुत सारा लोग का प्रोटीन इनटेक आता है चिकन से। एंड इज़ इट सेफ टू कंज्यूम चिकन फॉर योर बॉडी बिल्डिंग नीड्स ये सिचुएशन में? लेट्स टॉक अबाउट बर्ड फ्लू। इनिशियली बर्ड फ्लू होता क्या है? बर्ड फ्लू इज़ बेसिकली अ वायरस। ये वायरस है बर्ड से बर्ड स्प्रेड होता है। और अकॉर्डिंग टू द डेटा कलेक्टेड फ्रॉम द गवर्नमेंट, अराउंड 7 स्टेट्स, इंडियन स्टेट्स में बर्ड फ्लू स्प्रेड हो गया है एंड कन्फर्म हो गया है। बट अगेन, ह्यूमंस में ये बर्ड फ्लू अभी तक डिटेक्ट नहीं हुआ है। बेसिकली क्या हो रहा है, इनकेस अ बर्ड हैज़ अ फ्लू एंड देन वो और एक बर्ड को स्प्रेड होता है एंड सो ऑन, एंड दे आर फाउंड मेनी बर्ड्स डेड। ह्यूमंस में जो फ्लू रहता है, सिमिलरली बर्ड्स में भी एक फ्लू आ जाता है। सो इट स्प्रेड्स फ्रॉम वन बर्ड टू द अदर। सो बेसिकली सिंपल एज दैट। डज दिस फ्लू गेट ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस? ह्यूमंस में ये फ्लू ट्रांसमिट होता है कि नहीं, एंड इफ़ येस हाउ? फॉर एग्जाम्पल, एक ह्यूमन या कोई भी इंसान एक बर्ड के पास जा रहा है जो मरा हुआ है या अलाइव है, जिसको फ्लू है ऑलरेडी। ओके, देर आर चांसेस दैट द फ्लू कैन गेट स्प्रेड टू अ ह्यूमन, राइट? ये वायरस जो है वो बर्ड से ह्यूमंस पे या इंसान पे आ सकता है, चांसेस है। लेकिन अभी तक इंडिया में देर आर नो केसेस फॉर नाउ, अभी के लिए 2021 या 2020 एंड से कोई केसेस नहीं है। लेकिन 7 स्टेट में बर्ड फ्लू डिटेक्ट हुआ है, राइट? सो अभी आपको पता चल गया बर्ड फ्लू क्या है। सेकेंड, बर्ड फ्लू ह्यूमंस में ट्रांसमिट होता है कि नहीं? येस, इट डज गेट ट्रांसमिटेड, बट वो ह्यूमन, एनी ह्यूमन इफ ही गोज नियर अ डेड और अलाइव बर्ड विच हैज द फ्लू, इज इट सेफ टू कंज्यूम चिकन? बेसिकली अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो तो आप चिकन पे ही डिपेंड कर रहे हो ना, चिकन या एग्स या पोल्ट्री, इसमें डिपेंड करते हो। इनकेस यू आर अ नॉन वेजिटेरियन, वेजिटेरियंस हो तो यू आर लकी, बट इनकेस यू आर अ नॉन वेजिटेरियन, आप डेफिनेटली चिकन पे डिपेंड करते हो एटलीस्ट 300-400 ग्राम्स अ डे। नाउ कमिंग टू इट, इज इट सेफ? WHO ने बोला है, सी आई टेल यू, ये जो भी मैं शेयर कर रहा हूँ इट इज़ नॉट फ्रॉम माई नॉलेज, ज्ञान नहीं है, इट इज़ फ्रॉम द WHO, इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सो WHO हैज सेड दैट यू कैन कंज्यूम पोल्ट्री, यू कैन कंज्यूम चिकन, यू कैन कंज्यूम मीट। दैट बींग सेड, आपको जो भी आपका चिकन डिश है या कोई भी नॉन वेज सोर्स है उसको कुक करना पड़ेगा, कुक मतलब बराबर कुक करना पड़ेगा एटलीस्ट 70 डिग्री सेल्सियस में। यस, मैं जो इधर एक पोस्ट डाल रहा हूँ या आर्टिकल पढ़ लेना, इसको WHO ने पब्लिश किया है, तो प्लीज़ डू रीड दिस, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, प्लीज़ रीड करो। सो इट इज़ कम्प्लीटली सेफ टू कंज्यूम चिकन और एग्स, ओके? ये टाइम में कोई घबराने की बात नहीं है, यू कैन डेफिनेटली कंज्यूम चिकन। That being said, 70 डिग्री सेल्सियस में कुक करना पड़ेगा एटलीस्ट, उसके ऊपर भी कर सकते हो, लेकिन एटलीस्ट 70 डिग्री सेल्सियस में आपको आपकी चिकन कुक करना पड़ेगा। अगर आपको कोई और डाउट है इसके बारे में, कोई भी डिटेल्स चाहिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। होपफुली ये वीडियो इंटरेस्टिंग था एंड आपको थोड़ा बहुत नॉलेज मिला बर्ड फ्लू के बारे में एंड इज इट सेफ टू कंज्यूम चिकन और नॉट। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत सारा प्यार, थैंक यू।